Good Good morning, kids. morning. Good morning. Did you have a good sleep? Yes. Yes. Are you nice and fresh now? Yeah. Are you ready to go out? Yeah. Okay. Where are we going? Don't know. We'll see. Is this a surprise? It's a surprise, yes. Then come on, we have to now brush our teeth, have our breakfast. Then we will get ready and then we will go. Vanya, see. Whoa, it's in the basket? Yeah. Wow, can I see it? Oops. Smells good. So this is our breakfast basket. So we have ordered avocado toast and omelette. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज है डे टू इन सोनोमा वैली. तो आज है फ्राइडे, फ्राइडे मॉर्निंग. तो फ्राइडे मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं गरम गरम कॉफ़ी के साथ, और इसी के साथ आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. और आज है नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे मॉर्निंग. तो अभी उठे हैं, लेट से उठे हैं, टाइम इज़ 9 o'clock. और हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया. तो ब्रेकफास्ट में वी ऑर्डर्ड एवोकाडो टोस्ट, और बच्चों को ऑमलेट खाना था. वो चाय हमने, सॉरी कॉफ़ी हमने बनाया है. सो वी विल एन्जॉय कॉफ़ी और फिर रेडी होके निकलेंगे. सो यहाँ इट्स अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम विंडो आउटसाइड एंड वी हैड अ नाइस स्लीप. मुँह पूरा ऐसे फुला फुला है. सो आप रेडी होके फिर मैं अगेन आपसे मिलती हूँ. तो ये रहा हमारा आज का ब्रेकफास्ट. सो वी हैड एवोकाडो टोस्ट एंड ऑमलेट. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तो अभी हम सब रेडी हो गए हैं. टाइम इज़ अराउंड 11:50 नाउ. आराम से ही उठे, देर वॉज नो रश. तो वी आर ऑल रेडी. आई विल शो यू वॉट वी आर वेयरिंग. सो दिस इज़ आवर स्निग्धा, शी इज़ वेयरिंग अ ब्यूटिफुल फ्रॉक. ये हमने दिवाली पे लिया था एंड यहाँ पे ना थोड़ा लूज है, तो इसलिए मैंने इसको एक बेल्ट पहनाया है. इस बेल्ट को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ वन्या. इस बार उसको वाइड लेग जीन्स ट्राई किया और एक पोलो नेक का शर्ट. टर्न इसकी पोनी. So yeah. So are you ready to go? Yes. Okay. This is what I am wearing. Wide leg jeans. मुझे लगता है और ये थोड़ा ना कट करना चाहिए. And this is a sweater top. और ये मैंने एक artificial जो ज्वेलरी है वो पहना है. These are my nails. First time ही मैंने ये stick on nails try किए, but they are looking nice for a change. And these are my new shoes. सो वी आर ऑल सेट. तो अभी एक टॉय ट्रेन राइड है, तो पहले वहाँ पे जाएंगे, बच्चे वहाँ पे इंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं व्हाट ऑल वी विल एक्सप्लोर. सो यार, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, रूम में ही ऑर्डर किया था. सो वी हैड एवोकाडो टोस्ट, बच्चों को ऑमलेट चाहिए था, सो दे हैड दैट. सो चलिए फिर वहाँ जाके मैं आपसे मिलती हूँ. और ये है रिज़ॉर्ट के बाहर का व्यू. तो यस्टरडे नाइट हम यहीं पे बैठे थे, यहाँ पे फायर लगा के. तो ऐसे ना सिट आउट्स बहुत सारे बनाए हैं, बहुत सारे लीव्स जो है वो गिरे हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल. और ग्रीनरी बहुत है, बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं. सो ये रिज़ॉर्ट के बाहर का लुक कुछ ऐसा है. और फिर हम निकल गए ट्रेन टाउन जाने के लिए. बहुत पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो वी रीच्ड वेरी फास्ट. और यहाँ पे ना सोनोमा में मैंने फॉल कलर्स भी देखे, नॉट टू मच, बट यस आई कुड सी एटलीस्ट फ्यू ऑफ़ दी फॉल कलर्स.
एंड दे वर लुकिंग सो प्रिटी. कुछ पेड़ तो फुल ऐसे पिंक थे, कुछ सम वर टोटली फुल येलो, सम वर अ मिक्स ऑफ येलो ग्रीन एंड रेड एंड दे वर ब्यूटिफुल. तो हम ये ट्रेन टाउन जो है वो रीच हो गए हैं और यहाँ पे हमने टिकेट्स ली और यहाँ पे ट्रेन एक राइड है और उसी के साथ बाकी फ़न राइड्स भी है बच्चों के लिए कुछ आद, तो उसके दो अलग टिकट्स है. अगर आपको फ़न राइड्स भी करनी है तो उसके चार्जेस अलग है. सिर्फ अगर टॉय ट्रेन जो ट्रेन राइड में जाना है तो उसके लिए टिकट अलग है. और यहाँ पे एक सैम्पल ट्रेन रखा हुआ था, पुराने ज़माने में ट्रेन कैसे होते थे, जस्ट टू शो दैट. तो वो उसके दो कंपार्टमेंट्स थे तो हम उसमें आ गए थे, तो वी एक्सप्लोर्ड इट. बच्चों की थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली और ये अगेन ऑपोजिट साइड में एक उसी के आगे और एक ये कंपार्टमेंट था, तो वहाँ पे एक किचन भी था एंड बड़ा सा टेबल और अच्छा था. बहुत ही स्पेशियस सा ट्रेन था और एक जो सिटिंग था वो ऊपर भी था, तो वन यू वांटेड टू क्लाइम तो ऊपर चढ़ी. और यही वो ट्रेन राइड है, तो ट्रेन आ गई है तो अभी हम ट्रेन राइड में जाएंगे. तो 20-25 मिनट्स का ये टोटल ट्रेन राइड है बच्चों के साथ, बड़े भी इसे बहुत एंजॉय कर सकते हैं. बहुत ही सीनिक और ब्यूटीफुल व्यू था, वी रियली एंजॉयड. ऐसा लग रहा था कि काश और एक बार इस ट्रेन राइड में जाए, तो बच्चों ने खूब एंजॉय किया एंड इट वॉज सो मच फन. छोटा सा ही ना स्लीक सा ऐसे ट्रेन था बट इट वॉज सो गुड. और ट्रेन पूरा फिल होने के बाद ही स्टार्ट होगी और फिर टिकट्स भी चेक होंगी. तो एक टिकट चेकर था तो ही वॉज कमिंग एंड चेकिंग ऑल द टिकट्स और पंचर भी ऐसे कर रहे थे एंड उसके बाद देन द ट्रेन जर्नी बिगिंस. बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल सा व्यू था, ऐसे जंगलों के बीच में से ट्रेन जा रही है. पूरा वैसे बनाया था, ब्रिज था, पूरे ऐसे बड़े बड़े ग्रीन एंड टॉल पेड़ थे, बीच बीच में पानी था एंड ऐसे मिनिएचर जो घर है पूरा ऐसे छोटे छोटे वो बनाए हुए थे. और ये जो वुड के लॉग्स है उसमें से एनिमल्स वगैरह वैसे बना के रखे थे. ट्री हाउस था वहाँ पे एंड छोटे छोटे एनिमल के ऐसे क्रीचर्स जो है वो बना के रखे थे. व्यू ब्यूटीफुल था. और यहाँ पे राइड करते वक्त ना ठंड ज़्यादा लग रही थी क्योंकि पूरा ओपन एरिया था तो हवा बहुत ज़्यादा थी, बट वी एन्जॉयड द ट्रेन राइड सो मच. ट्रेन में जितने भी लोग थे सब ने ये राइड जो है बहुत एन्जॉय किया. ऐसे छोटे छोटे घर थे, ट्री हाउस था, फिर एक कैंपिंग का जो साइट है वैसा एक बना हुआ था, काफ़ी अच्छा था. यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल था, सो इट वॉज क्वाइट गुड, वी एन्जॉयड इट सो मच. यही वो लाइक कैंपिंग साइट बनाया था, कपड़े वगैरह सुखा के रखे थे, ऐसे पूरा बहुत ही अच्छे से क्रिएट किया था. एंड दिस इज़ अ स्मॉल ब्रिज, तो ब्रिज के अंदर से ही हमारी ट्रेन जा रही है एंड वी ऑल्सो क्रॉस्ड 2-3 टनल्स. Thank you.
ट्रेन राइड के बीच में एक स्टॉप भी था फॉर 10 मिनट्स 10-15 मिनट्स का एक स्टॉप. तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स थे जैसे कि लामा शीप, तो आप उनको फीड कर सकते हो. वहाँ पे उनका फूड रखा हुआ था, तो कॉइन डाल के यू कैन परचेज सम फूड एंड यू कैन फीड दिस एनिमल्स. हमारे पास ना कॉइन नहीं था, सो बच्चे कुडंट फीड. एक्चुअली दे वांटेड टू बट वी डिडंट हैव एनी कॉइन्स. पर कुछ लोग उनको ना फीड कर रहे थे, और जो उनको फीड कर रहे थे वो उन्हीं लोगों के पास जा रहा था. एंड बहुत ही ऐसे फ्लफी फ्लफी से एंड फरी से एनिमल्स थे. और ये एक ट्रेन स्टेशन है, और एक छोटे से टाउन में जो भी कुछ होता है, यानी स्कूल होता है, एक शॉप होता है लाइक ग्रोसरी शॉप, सैलून, ऐसे सब उन्होंने ऐसे छोटे छोटे ऐसे घर में फॉर्म में ऐसे बनाए थे. तो आप अंदर जाके उसे देख सकते हो. तो एक बड़ा सा फार्म था, एक सैलून था, जेल भी था, छोटा सा स्कूल था, फिर एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर था. तो ऐसे ऑपोजिट साइड्स में थे, तो बस बच्चे सब जाके एक्सप्लोर कर रहे थे. एंड दिस इज़ द सैलून. एंड सैलून में ना बहुत ही वो फनी टाइप के मिरर्स थे, वी ऐसे मोटे पतले या टॉल शॉर्ट ऐसे लगोगे. तो बच्चे वॉज एन्जॉइंग, और वो कुछ डांस करके ना ऐसे मूव करके देख भी रही थी खुद को. एंड आई ऑल्सो ट्राइड इट, आई एम लुकिंग सो शॉर्ट एंड फैट. तो ऐसे बहुत सारे ना मिरर्स थे, एंड इट वॉज सो मच फन. तो इट वॉज़ क्वाइट नाइस, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था. एक फायर डिपार्टमेंट था, फिर एक ग्रोसरी स्टोर था, इसमें मिनिएचर फूड्स वगैरह रखी थी, एंड एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा क्लासरूम था. एंड हियर वन्या वॉज एक्टिंग एज ए टीचर, तो वो स्निग्धा को कुछ कुछ रूल्स बता रही थी. और इसके बाद ये एक चर्च था, चर्च भी काफ़ी अच्छा बना था. और उसके बाद लास्ट कम्स थी जेल, तो हम जेल भी जाके आ गए इस ट्रेन राइड में, और जल्दी से छूट भी गए. हमको ज़्यादा देर पकड़ के उन्होंने नहीं रखा, हमको छोड़ दिया, जाओ आप लोग, वी कांट कीप यू इन जेल. और जेल में जाने के बाद वन्या वॉज मेकिंग सम फ्राउनी फेस कि आप जेल में आ गई. एंड वहाँ पे 15 मिनट्स ब्रेक था, और उसके बाद अगेन वी केम बैक टू द ट्रेन स्टेशन. और फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा इंजन्स वगैरह, ट्रेन के जो इंजन्स है वो रखी हुई थी. ट्रेन का एक पूरा शेड था जहाँ पे वो सर्विसिंग वगैरह होता है, तो वो हमने देखा. बच्चों के कुछ ज़्यादा मतलब फन राइड्स भी थे, तो बच्चों को कुछ कुछ राइड्स में जाना था, तो मैं इनके साथ गई. तो ये कैरेसोल राइड में ये दोनों गई, तो दे हैड फन, बच्चों ने खूब एंजॉय किया, सो वी वर हैप्पी. और उसके बाद एक एरोप्लेन राइड भी था, उसमें भी उनको जाना था, तो उसमें वो दोनों गए. और उसी के साथ थोड़े बड़े राइड्स भी थे, जैसे कि मेरी को राउंड था, रोलर कोस्टर, उनमें उन्हें नहीं जाना था. तो बस ये होने के बाद, ये राइड होने के बाद, देन वी लेफ्ट फ्रॉम द ट्रेन टाउन. और फिर वहाँ से निकल के हम लंच करने गए, सबको भूख लगी थी,
तो थॉट कि पहले लंच कर लेते हैं, फिर वी विल डिसाइड व्हाट टू सी नेक्स्ट। और वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट का नाम था एरोमा इंडियन क्यूजीन। और जब हम वहाँ गए तो रेस्टोरेंट पूरा खाली था, तो फूड वॉज गुड, वी एन्जॉयड द लंच देयर। और लंच करने के बाद हम गए जनरल वलेयोस होम देखने, और वो एक जनरल का घर था पर अभी इट्स कन्वर्टेड इनटू अ म्यूज़ियम। और उस घर के बाहर ना कुछ बर्ड्स थे जो बहुत ऐसे फास्ट तेज़ी से रन करके ना ऐसे उड़ रहे थे, तो वी वर वॉचिंग दैट ओनली, इट वाज सो क्यूट। ऐसे ना भाग भाग के ऐसे तेज़ी से भाग के ऐसे फिर उड़ रहे थे, तो बच्चों ने वो देख के उनको बहुत हंसने आया। एंड हम आए हैं ये घर देखने, तो यहाँ पे पहले हम टिकट्स लेंगे और फिर देन वी विल सी दी होम। और अभी आई विल लाइक टू शेयर अ फ्यू थिंग्स अबाउट दिस हाउस। सो इन 1852 द टू स्टोरी मेन हाउस वॉज कम्प्लीटेड बिसाइड्स द स्प्रिंग एंड इट्स पूल। द वुड फ्रेम हाउस वॉज डन इन द वेरी लेटेस्ट विक्टोरियन कारपेंटर गोथिक स्टाइल, highlighted by a large gothic window in the master bedroom, twin porches, a dormer window and carved wooden trim. Bricks were placed inside the walls of the house in order to keep it warm in winter and cool in summer. Each room had its own white marble fireplace, crystal chandeliers, lace curtains and many other furnishings, including the handsome rosewood concert grand piano, were imported from Europe. The estate also included a large barn and houses for the working staff. The cook house was a three-room wooden building behind the main house. The cook lived in one room while the other two rooms were used for food preparation and cooking. Eventually, the building was converted to residential use and came to be known as the Swiss Chalet. Today, it serves as a museum and interpretive center for the Velayas home. बहुत ही ब्यूटीफुल और कॉम्पैक्ट सा ये घर था, लाइक इट वाज अ जनरल्स होम, पर उसके हिसाब से रूम्स ना इतने बड़े बड़े और स्पेशियस नहीं थे। और वो पहले जो देखा वो लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम वो था, एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। इतना बड़ा भी नहीं था बट स्टिल इट कुड फिट 8 चेयर्स और फूड वगैरह रखा था, टेबल पूरा सजा हुआ था, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड दिस इज़ द लिविंग और द ड्राइंग रूम, इसमें एक पियानो भी था। ये जो भी फर्निशिंग है उन्होंने यूरोप से इंपोर्ट किया हुआ था। क्वाइट ब्यूटीफुल हाउस, मुझे तो ना रूम्स काफ़ी ऐसे कॉम्पैक्ट लगे बट स्टिल देर वॉज एवरी थिंग इन दैट। और मार्बल के फायर प्लेसेस थे, एंड दिस इज़ अ स्टडी रूम और द लाइब्रेरी। उन्होंने एक पैम्पलेट भी दिया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था इस घर में कितने रूम्स थे, कौन सा रूम किसका था, वो सब उसमें था। और यहाँ पे केरोसिन का जो लैम्प है वो दिखा, वी यूज़ टू यूज़ दैट व्हेन वी वर स्मॉल टू। सो लाइक उसके बाद फिर हम ऊपर गए और ऊपर में सारे बेडरूम्स थे। दिस वाज द मेन बेडरूम आई गेस। यहाँ पे एक क्रेब भी था, एक स्विंगिंग चेयर था, लाइक वॉश बेसिन की जगह पे देर वाज नो टैप, देर वाज अ मार्बल बेसिन और उसके ऊपर एक मार्बल का जग रखा हुआ था। एंड ये किड्स बेडरूम आई गेस, बहुत ही छोटा सा एक बेड था, ब्यूटीफुल सा वुड था। और उसी छोटे से रूम में टॉयज़ भी थे, बेड भी था, लाइक एवरीथिंग वाज देयर। एंड एक नर्सरी रूम था एंड एक चेंजिंग रूम था, सो इट वाज क्वाइट गुड। और जो बेड कवर्स थे वो पूरे लेस के थे, और ये शायद उनके कॉस्ट्यूम्स है वो भी लगाए हुए थे, इट वाज क्वाइट गुड। वो जो ड्रेसर था, मिरर था, एंड सारी जो वुडन फर्निशिंग थी वो बहुत ही एंटीक और यूनिक लग रही थी।
तो यही वो लाइक पैम्पलेट है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ था कि कौन सा रूम किसका है, इस घर में कितने रूम्स है। इट वाज़ क्वाइट नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल था। और फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड ऐसे थे, एंड दिस इज़ द बैक यार्ड। और ये जो मेन घर है उसमें किचन नहीं था, किचन घर से थोड़ा बाहर था। और यहाँ पे भी एक छोटा सा रूम था, आई डोंट नो व्हाट दिस रूम इज़, क्योंकि मैं पास जाके मैंने नहीं देखा, तो इस रूम में क्या था वो मुझे नहीं पता। घर कितना ही खूबसूरत था, मुझे तो बहुत पसंद आया। और घर से ज़्यादा जो फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड का एरिया है वो काफ़ी स्पेशियस था। यहाँ पे एक छोटा सा पॉट जैसा था, कुछ बेंचेस वगैरह रखी थी बैठने के लिए, बहुत सारे पेड़ थे, ग्रासेस थे, एंड इट वाज सो गुड। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे तीन और छोटे छोटे घर है, वहाँ पे वो वर्किंग स्टाफ रहते थे। एक रूम में वो कुक रहता था, बाकी के दो रूम में वो फूड स्टोर या फिर कुकिंग करते थे। और ये ब्रेड बेक करने का ये था चूल्हा टाइप वो था, एंड दिस इज़ द कुक हाउस। और यहाँ पे भी एक डाइनिंग टेबल था, कुछ चेयर्स वगैरह थी, काफ़ी अच्छा था। एंड ये जो कुक है उसका शायद ये रूम है, एक बेड था, एक छोटा सा टेबल वगैरह था। वहाँ पे एक छोटा सा ना चिली का पेड़ था और उसमें कई सारे चिलीज आए भी थे। ट्रिप पे जाने से पहले ना मैंने एक कुछ कुछ नोट डाउन किए थे प्लेसेस की क्या क्या हम देख सकते हैं, उनमें से ही वी चोज दिस, तो वी केम हियर एंड सच में इट वाज सो गुड। और आसपास का एरिया ना पूरा ऐसे खाली खाली, मतलब आसपास ऐसे एकदम नज़दीक में कोई भी घर नहीं था, दूर दूर तक सिर्फ रोड था, बिग ट्रीज, एंड इट वाज सो क्वाइट ओपन। और ऊपर भी आप जाके देख सकते हो, पर टिकट्स लेते वक्त वो एक लेडी थी, उसने कहा कि उसने कई सारे रैटल स्नेक्स देखे हैं ऊपर की तरफ, सो शी सजेस्टेड नॉट टू गो अप। और अभी भी इतने सालों बाद यू इमेजिन कि इतना खाली खाली है, तब तो मतलब इतने साल पुराना, लाइक 1852 द हाउस वाज बिल्ट, उस ज़माने में तो कितना और खाली और सुना सुना रहेगा। बट इट वाज रियली वेरी पीसफुल एंड वेरी नाइस, वी एन्जॉयड इट। और आज का व्लॉग ना मैं यही पेंड करती हूँ। इसके बाद देन हम होटल रूम गए, एंड फिर होटल रूम में एक रिजॉर्ट में जो एक होटल है वहाँ पे हमने डिनर किया। दैट आई विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बिकॉज दिस व्लॉग इज़ ऑलरेडी बिग। होप करती हूँ कि आप ये जो हॉलीडे सीरीज़ है वो एंजॉय कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग इट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड स्प्रेड माई चैनल। विजिट माई चैनल फॉर मोर सच लाइफस्टाइल व्लॉग्स। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।